गो 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 गुड मॉर्निंग गाइज गो से मेरा मतलब गुड ऑरेंज आर्मी भाई बदल गए क्या आरसीबी क्यों बोल रहे हो तुम पागल हो रहे ऑरेंज आर्मी के पीछे केकेआर वाले छुपे हैं बैलेंस लेके चलना पड़ेगा टूर्नामेंट में सब कुछ लुट गया तुम बदल गुड मॉर्निंग तो करने दे यार गो गो का मेरा मतलब था गुड मॉर्निंग जी ओ और जी ओ ओ डी फिर भाई लोग लिखते हैं रात को सूट करके तुम गुड मॉर्निंग बोलने लग जाते हो भाई गुड मॉर्निंग तो करना ही है दोस्तों अगर सुबह भी देखें भाई तो सुबह ही देखेंगे ना भाई तो सुबह ही देखेंगे हम चाहे रात को शूट करें चाहे दोपहर में शूट करें नहीं लेकिन आरसीबी आज लाइट जलाने से रात हो जाती है क्या 6 बज रहे अभी लाइट जलाने से रात हो जाती है 6 बज रहे अभी लाइट जलाने से रात सुबह के 6 बज रहे अभी बताइए यार अजीब बात है अब ऐसा थोड़ी है कि चलो कहना नहीं चाहिए जिसके पास आंख नहीं है तो दिन होगा ही नहीं उसके लिए दिन तो उसके लिए भाई सुबह के 6 बज रहे अभी वाह भाई मैच है आज बहुत बड़ा हमारे लिए खास तौर पर जिनकी उम्मीदें लगी हुई हैं उनके लिए भी काव्या जी के साथ उनके लिए काव्या जी की टीम जो है मेसी के तो हम बहुत बड़े फैन हैं और आज तो बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं क्योंकि आज असरज को जीतना है हम तो अभिषेक के भी बहुत बड़े हम तो अभिषेक के भी बहुत बड़े फैन हैं जी कौन अभिषेक शर्मा अच्छा अभिषेक शर्मा आरसीबी का गया भाई बहुत तगड़ा झटका लगा केकेआर ओ एसआरएच के मुकाबला दो ही कारणों से देखते हैं चाय पिलाइए जरा इनको अभिषेक का नाम याद नहीं आ रहा नहीं नहीं मैं कह रहा कभी अब भावनाओं में कहीं और ना चले गए हो हैरी ब्रुक ना भूल जाए कहां जाऊंगा मैं बाद में चलो हैरी ब्रुक ना भूल जाए आज हैरी ब्रुक का शतक है नहीं हैरी ब्रुक को तो भूल चुकी है अभी एसआरएच आज हैरी ब्रुक को शतक ठोकना दुनिया को दिखाना है हैरी ब्रुक खेलेंगे किसकी जगह मैं चाहता हूं कि वो खेले ग्लेन फिलिप्स की जगह खेले आकाश को एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ भाई एसआरएच के मैच ये दो ही वजह से नहीं फिलिप्स की जगह ग्लेन फिलिप्स की जगह खेले भाई देखो बात ये है ग्रुप ओपन करना है और तोड़ दे देखो ग्लेन फिलिप्स ने तुम्हें इतना तगड़ा मैच जिताया यार उसको बाहर कर रहे हो यार यार कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा खत्म किया था कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा ना ऐसा कॉम्बिनेशन हार ही जाओ पंजाब वाले मैं कहता हूं पंजाब वाले कॉम्बिनेशन में अरे भाई मैं कह रहा हूं ओपन करवाओ ब्रुक को खिलाओ भाई ये बताओ यहां पर आरसीबी आज जीत रही है चौक कर जाएगी मुझे आरसीबी का इतिहास रहा है चौक करने का भाई देखो दोनों एसआरएच का तो ये आरसीबी की अपनी टीम है 11 प्लेऑफ से उनके पास चौक लेके आते हैं समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मैं आज एसआरएच को आरसीबी विराट जीतेंगे नहीं नहीं मुंबई 11 प्लेऑफ से उनके पास डूब चुकी है लेकिन अगर एसआरएच ने आरसीबी को हरा दिया तो भाई आरसीबी टाटा बाय बाय फिर उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी तो और देखो अभी आरसीबी के हाथों में अपनी चीजें है भाई जीतो और पहुंचो वहां पर कोई ज्यादा दिक्कत की बात होने नहीं चाहिए और एसआरएच आपके सामने खराब खेल भी रही है एसआरएच लगातार आप हरा सकते हो आज अच्छा खेलेगी नहीं खेलनी चाहिए एसआरएच को आज अच्छा खेलना चाहिए जाते जाते कुछ तो अच्छा करे जाते जाते कुछ तो अच्छा करे पता चल रहा है कि मुंबई का गेम ने बिगाड़ दिया लास्ट गेम में लेकिन मजा तब है जब दोनों टीमों को हराए एसआरएच को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा आज आरसीबी उस दिन मुंबई फिर तो केकेआर वाले देखो केकेआर अरे पंजाब केकेआर वाले देखो फिर राजस्थान भी आ जाएगी अरे राहुल ने भाई साहब भाई मैंने सारा समीकरण बना लिया एसआरएच वाला उससे जस्ट पहले राहुल ने क्या कहते हैं यहां पर समझाया एसआरएच को टॉप फोर में एंट्री करवाई जीटी को बाहर कर दिया तो ये तो कर ही सकते हैं ये तो हो सकता है जो बता सारे समीकरण बना दिए समीकरण बताए थे उसके 3 घंटे बाद एसआरएच बाहर हो गई काव्या जी ढूंढ रही है तब से राहुल को इनके तो समीकरण बताए थे इनको मैनेजमेंट पंजाब वालों के समीकरण भी तो बताए थे गिल्ली पिल्ली हो गई काव्या जी ढूंढ रही है जब से राहुल को ये भी भाई गिल्ली रे वाला यार रोहित ना गिल्ली बिल्ली कैसे हो गए पंजाब वालों की तो वो वाला कैलकुलेटर से काम चलाना पड़ेगा साइंटिफिक वाला जो आता है जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा भी होता है अभी ना सीधा जादू से बात करनी पड़ेगी आरसीबी जीत तो गई थी उस दिन लेकिन रन तो किसी के नहीं आए थे उस दिन भी आपके लोमरो डीके बॉलिंग ने जिता दिया आपको उस दिन खत्म कर दिया भाई उसे ऑल आउट कर दिया वहां पे तो और विराट की उस दिन वाली पारी भी स्लो थी भाई हां स्लो थी विराट की उस दिन वाली पारी भी देखो तो पिछली 2-3 पारी अगर आप देखोगे तो सवाल है उन पर खैर हमारे लिए तो बढ़िया ही है कि मुंबई को मुंबई की जीत के लिए जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे भाई साम दाम दंड भेद जो भी है कौन सी मूवी जो भी जीजा जी वाली दाम निकाल दीजिए भाई गलत हो जाएगा दाम निकाल दीजिए दाम का मतलब ठीक है यार
नहीं लेकिन आपको क्या लग रहा है भैया सीरियसली क्यों ले रहे हो, क्या एसआरएच अपसेट कर सकते हैं यहां पर आरसीबी को उनका गेम ओवर कर सकती है भाई, कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, इतना तगड़ा लगता है तो पता नहीं हारी क्यों, वो तो खेले नहीं ना कभी भी, जिस दिन वो अपना ए गेम खेल गई ना उस दिन आपको अफसोस ही होगा उस टीम को देख करके, 230 वाला ए गेम ही तो था आज, जैसे मतलब आज बोल रहा हूं जैसे हमने बीते दिन दिल्ली की बैटिंग देखी थी, दिल्ली की बैटिंग देखकर आपको क्या लगा कि ये बैटिंग तो ऐसे खेल सकती थी भाई, बिल्कुल पृथ्वी शॉ अगर ऊपर से 50 मारा करते, डेविड वार्नर के 50 आ ही रहते, डेली रूसो की पारी आ जाती, जो कल का रिजल्ट था वो कैसा लगा आपको डेली और पंजाब के मैच में, यार रिजल्ट का अभी कैसे बता दूं यार मैं, नहीं ये तो हो गया ना मेरे नहीं रिजल्ट का यार, ये रिजल्ट का चलो आते एसआरएच पे आते भाई, अगर भाई गिलानी फिलिप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में तो आपने फजल फारूकी को खिलाकर भाई और आपके मार्को येंसन, यार जब आपको मार्को और फजल फारूकी भरोसा नहीं देते तो भाई उन्हें बाहर करो ना, ग्लेन फिफ्थ खिला के रखो, जिस बंदे ने आपको राजस्थान के अगेंस्ट जिताया आपने उसे बाहर कर दिया, फिर आपके एडन मार्करम पता नहीं क्या ही कप्तानी करते और क्या ही बल्लेबाजी कर रहे, समझ से परे बिल्कुल, पता नहीं एक तो सरप्राइजिंगली त्रिपाठी जी का सीजन बड़ा ऑफ गएगा, परफॉर्मेंस आ गई, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ब्रूक को आप खिलवाओ, अब देखिए आपके लिए भी वही है ना, ग्लेन फिलिप्स की जगह पे नथिंग टू लूज वाली चीज, पिछले मुकाबले नहीं थे ओपन कराओ, और पता नहीं धमाकेदार पारी लग रही है मुझे, ब्रूक खेलेंगे और धमाकेदार पारी पता नहीं दिमाग में आ रहा है, और आरसीबी के चकनाचूर कर देंगे सपने को, आरसीबी में क्या चेंजेस है भाई ये बताओ, आरसीबी में चेंजेस नहीं लग रहे मुझे, कुछ भी नहीं, उन्होंने हसरंगा को बाहर कर दिया था ना उस दिन, क्या आरसीबी जो सैजलवुड को बार करके नहीं वैन पाल ने निकल बता दिया था ना उस दिन, तो निकल था हसरंगा को निकल बताया था, फिर तो आपके हसरंगा बाहर ही आएगा, हसरंगा आना चाहिए, हसरंगा को आना चाहिए, और वहां पर ब्रेसवेल की जगह आपको इंडियन बैटर को करना चाहिए, हैदराबाद में ना मैचेस, हाँ जी मैच हैदराबाद में, तो वही होप करेंगे, और इधर की तरफ से अगर आप बात कर रहे हो तो भाई इनकी बैटिंग है उस तरीके की भाई क्लास एंड फॉर्म में, अपना माकरम कर दे कुछ जाते बस केवल क्लासन फॉर्म में भाई, बस क्लासन फॉर्म में, अभिषेक की अच्छी परफॉर्मेंस आई है, दो तीन पारी अच्छी भी आई है, लेकिन जब आपको जरूरत थी ना तब उनके बल्ले बॉलिंग मत करवाना बस उनसे, बॉलिंग आपने एक दिन करवाई उन्होंने 5 छक्के खा लिए, आपका टूर्नामेंट तो उसी दिन खत्म हो गया जब आपने 5 छक्के खाए, वहां पर 5 छक्के एक वाइड भी थी शायद से, एक वाइड भी थी, 31 रन टोटल, 8 में 108 बनवा दिए, तो वही आप मान के चल रहे हैं कि भाई पता नहीं ये तो ऐसे गेम्स ही होते हैं भैया, पता नहीं जब जो अंडरडॉग होती है ना वो ऐसे क्रिकेट खेल देती है, दूसरे भक्का भक्का ही रह जाती है, दिल्ली ने क्या बैटिंग करी थी कल, तो वही केकेआर को देखा ना आपने, सीएसके को कोई किसी को लग नहीं रहा था, नहीं लग रहा था, सीएसके को हरा देगी, लेकिन जब रोहित भैया चेन्नई गए हम तभी समझ गए थे भाई सीएसके नहीं जीतेगी, इतना कॉन्फिडेंस था, ये मुंबई का एक आप कह सकते हैं प्लांट था, ये मतलब इनका प्लांटेड स्टोरी जो करते हैं मतलब इन्होंने वहां पर अपने आप को खुशी थे भाई, मेरे को शायद फिर वानखेड़े जाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं 20 तारीख को यहां बंद करके रखा, नहीं दिल्ली जा रहे हो, जा ही नहीं पाएंगे, हां दिल्ली भी जा रहा हूं मैं, नहीं जा पाएंगे 20 को, मैं दिल्ली भी जा रहा हूं, और अंडरकवर एजेंट है मुंबई के, ऐसे ऐसे मैचों में जाके हरवाएंगे सबको, फिर वानखेड़े भी जा रहा हूं मैं, अच्छा सीएसके ये क्यों कह रहे हैं पता है, सीएसके दिल्ली गेम में ये ऐसे जाएंगे भानु प्रताप की तरह और हरवा के आ जाएंगे, छैनी और हथौड़ी लेकर जी, फोटो भेजू क्या वो वाली भी भानु प्रताप वाली भी, पंजाब पीछे जाना पड़ेगा बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर भाई ये आरसीबी की ही टीम है ये, जो जब आपको बड़े मैचेस आपको जीतने होते हैं ना, अगर इन्हें टूर्नामेंट जीतना है तो भाई ने सारे मैचेस जीतने यहाँ से आपको, फिर एलिमिनेटर भी, और देखो अभी आपके पास है पॉसिबल है कि आप टॉप टू में फिनिश कर सकते हो, इसके लिए आपको दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, साफ सीधा सिनेरियो यही है भाई, और आपकी जो बोलिंग है आपके सिराज हो गए पांडे लोगे गेम आपको ये खोल के दे देंगे, शुरुआती विकेट चाहिए आपको, बाकी ये टीम बड़ा अच्छा कर सकती है, बाकी आज डुप्लेसिस या विराट में एक शतक, विराट की हां विराट को आपको वैसे वाली पारी चाहिए भाई, आप एक जबरदस्त पारी चाहते हो उनसे, क्योंकि अब थोड़ा सा वही लग रहा है लोग सवाल भी उठा रहे थोड़ा स्ट्राइक रेट को लेके, अब विराट कोहली यहां से भी अपना गेम ऑन कर दें, विराट फैफ अपने दम पर इस टीम को प्लेऑफ में लेके जा सकते भाई हैं, मैं कह रहा हूं आप ये दोनों मैचेस जीतो, अगर वहां पर एलएसडी या सीएसके एक मैच हार जाती है तो आप टॉप टू में जा सकते हो भाई, और आपको एक एक्स्ट्रा मैचेस मिल जाएगा वहां पर, आपके मतलब ये कि आपके पास भाई बहुत अच्छे चांसेस है आपके पास, बिल्कुल चलिए भाई बता दीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन आज होंगे विराट कोहली और मेरे वाइस कैप्टन होंगे हैरी ब्रूक, अच्छा अगर खेलते हैं, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन देखो मंडा मार कर, विराट कोहली कैप्टन, मोहम्मद सिराज वाइस कैप्टन, दोनों ओपनर आरसीबी के, विराट एंड फैफ, हाँ भाई हो भाई सिराज और अभिषेक, हाँ मैं अभिषेक को सोच रहा था एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मैं चुनूंगा सिराज को ही सोच रहा था मैं, अभी सिराज ही चुनूंगा मैं, अभी मेरी भी सुनील वाली टीम है, चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी दिन भर आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर भी हैं हम, वहां पर भी वीडियो को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा तमाम वीडियोस लगातार आ ही रहे हैं, तो जय हिंद जय भारत।